देश का अन्य स्थानहरूसँगै दार्जिलिङमा पनि अब शीघ्रै कोरोनाको भ्याक्सिन आउने लगभग निश्चित भएको छ। यसैले दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा यस भ्याक्सिनको लागि ड्राई रन अर्थात् रिहर्सल सुरु भइसकेको छ। निःशुल्क रूपमा लगाइने यो भ्याक्सिन प्रथममा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लगाइने भएको छ भने दोस्रो चरणमा फ्रन्टलाइन वर्कर्स अनि तेस्रो चरणमा सुगर प्रेसर तथा अन्य रोगहरूबाट पीडितहरूलाई दिने तय गरिएको पनि दार्जिलिङ जिल्ला अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। यसैले वर्ष 2020 सबैको लागि चिन्ता पीडा यतना र समस्या बीच बिते पनि नयाँ वर्ष 2021ले नयाँ असल समाचार बोकेर आएको छ। यसैले अब 2021को यो वर्ष पूर्ण रूपले कोरोना मुक्त हुने धेरैको आशा पनि छ। हजुर, हाम्रो अब ड्राई रन सुरु भयो है। ड्राई रन भनेको चाहिँ हाम्रो रिहर्सल जस्तो, किनभने चाहिँ अब यो भ्याक्सिन चाहिँ अब छिटो आउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी पाउँदैछौँ म्याडमहरूबाट। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो सेसन साइटमा चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रेजिस्ट्रेसन कसरी एन्ट्रीमा बस्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि कसरी हाम्रो आइडेन्टिफिकेसनहरू चेक गर्नु पऱ्यो, अनि भ्याक्सिनेसन रुममा त्यहाँ वेटिङ गर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि भ्याक्सिनेसन रुममा त्यही अब्जर्भेसन रुममा कसरी गऱ्यो, त्यो चाहिँ सबै हाम्रो अफिसरहरू आएर चाहिँ सबै हामीलाई हेरिकन जानुभयो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले डल्लो प्रिपरेसन रेडी पारेको, अनि पहिला चाहिँ हेल्थको स्टाफहरूलाई लाउने भन्दैछ, त्यही कारणले त्यो लाउनु अगाडि चाहिँ हाम्रो डल्लो प्रिपरेसनहरू चाहिँ गर्दैछ। त्यही कारणले चाहिँ त्यसको चाहिँ सबै चार्जहरू मिलाउँदैछौँ हामी सबैजना स्टाफहरू भएर। हजुर, यो चाहिँ सुन मात्रै भनेको छ, एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ अहिले भएको छैन, छिटै छिटै आउने। यो फ्रन्टलाइन वर्कर चाहिँ होइन कि, फर्स्ट चाहिँ हेल्थ वर्करहरूलाई, फर्स्ट फेजमा चाहिँ हेल्थ वर्करहरूलाई, अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ फ्रन्टलाइनहरूलाई लाउने भन्दैछ, त्यहाँदेखि थर्ड फेजमा चाहिँ 50+हरूलाई, त्यसको पछाडि चाहिँ कोमर्बिडिटीहरू हो, जस्तै डायबिटिज हुने, सुगर हुने, हाइपरटेन्सन हुने बिमारी मान्छेहरूलाई, त्यसको पछि चाहिँ अरू सिटिजनहरूलाई, जसमा कि एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ अब पुरा 80% जस्तो कभरेज हुन्छ होला। वर्ष दिनपछि भ्याक्सिन आउँदैछ, हजुर, एकदमै नजिकमा बसेर काम गरेर हजुर, यसमा चाहिँ अब हामीलाई एकदमै खुसी लागिराखेको छ है। अब कति एक वर्ष जस्तो भइसक्यो सबैजना छुट्टीहरूमा हुँदा पनि हामी हेल्थ स्टाफहरू चाहिँ सबैजना खटिखटाइ गरी माथि चौरस्तामा गएर, कसै वार्ड इन्चार्ज वार्डमा पनि स्टाफहरू खटेको खटेकै बिपी किट लाएर, कतिजनालाई पोजिटिभ भएर कतिजना फेरि जाति भएर आयो र पनि हामी खटेको खटेकै ड्युटी गरेकै गरेकै छ। अझै हाम्रो गभर्मेन्टले पनि है, प्राइम मिनिस्टरले पनि अब छिटो उहाँको स्टेप भएर चाहिँ अब छिट्टै हाम्रो आँगनमा आउनु आँट्यो है कोभिडको भ्याक्सिन। हामीलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ, हामी साथसाथै हाम्रो सबै सिटिजन, हाम्रो मान्छेहरू, इन्डियाको सबै मान्छेहरू चाहिँ अब कोभिडको दुईवटा भ्याक्सिन पाएर चाहिँ एकदम कोभिडदेखि चाहिँ फ्री हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। तर यसको चाहिँ दुईवटा डोज हुन्छ है, तर फर्स्ट डोज मात्रै लाउँदा चाहिँ हाम्रो 60% मात्रै एफिकेसी हुन्छ अरे प्रोटेक्सन है। अब 1% फर्स्ट डोज लाएर मात्रै हामी फ्री हुनु भएन, त्यसमा हामीले मास्कहरू लाउनै पर्यो, हातहरू धुनै पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्यो, किनभने हामी हेल्थ स्टाफहरू मात्रैलाई लगाएको चाहिँ एकदमै कम्ती 1% मात्रै हो नि त। तर हामीले जब सेकेन्ड फेजहरू 28 दिन बाद लाउँछ, त्यो लगाएको 14 दिन पछाडि मात्रै हाम्रो एन्टिबडिज बनिन्छ अरे, त्यहाँदेखि जब हाम्रो होल कभरेज, होल पपुलेसनलाई कभरेज हुन्छ, त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो 80%लाई कभरेज भयो भने मात्रै हाम्रो हर्ड कम्युनिटी बनिन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अब छिटो छिटो चाहिँ फेज वाइज चाहिँ छिटो सबैले लाउनु पाओस्, सबैजना सुरक्षित होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना छ। आज हुआ बोल रहा उसको बोलता है ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब ये एक मॉक ड्रिल है, एक्चुअली वी हैव सेट अप द साइट एंड साइट पे सब लोगों ने कैसे वैक्सीन लेगा, बाहर कैसे वेट करेगा, उसका आइडेंटिटी कैसे जांच होगा, जांच करने के बाद कैसे वेट करेगा, फिर वेटिंग एरिया में उसके बाद वैक्सीन लाने के लिए अंदर जाएगा और वैक्सीन लाने के टाइम में कैसे लेगा, उसके पहले क्या क्या
बताना है क्या क्या करना है सब कुछ, और फिर उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम, उसमें बैठने के देखना है पेशेंट को कुछ रिएक्शन है कि नहीं, पेशेंट को मतलब बेनिफिशियरी को और जो वैक्सीन लेगा, और कुछ टाइम बाद उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ देगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको ट्रीटमेंट करेगा। ये सब कुछ का ड्रिल किया है हम लोग मॉक ड्रिल का माफिक, हाँ जैसा हम लोग देख रहा है कि आवर सिस्टम हम लोग कैसा किया और किसी जगह में कुछ और करना है क्या। ये सब इसलिए हो रहा है कि वैक्सीन जल्दी आ जाएगा तो हम लोग वैक्सीन देना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आज इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ये बोल सकता है हम लोग, ये प्रैक्टिस हो गया आज। फर्स्ट किन लोगों को वैक्सीन, फर्स्ट देना है हेल्थ केयर वर्कर्स को। हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब सब जो हेल्थ में काम करता है और हेल्थ में हेल्प भी करता है, हॉस्पिटल सेटिंग और हेल्थ सेटिंग में, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल वर्कर्स और हॉस्पिटल को सब स्टाफ और हेल्थ को फील्ड स्टाफ, ये सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जनरल पब्लिक को कब से मिलना शुरू होगा इसको इन्फॉर्मेशन मेरा पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको बाद और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है लाइक पुलिस जो हेल्प कोविड का पेशेंट को हेल्प करने के लिए और स्वैब टेस्टिंग को हेल्प करने के लिए सब कुछ किया है पुलिस को होगा, और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स भी है। उसके बाद हाई रिस्क पीपल जो है, हाई रिस्क पीपल मतलब जिसका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिसका उम्र ज़्यादा है, ऐसा उसके बाद और जनरल पीपल को होगा, ये फेज बाई फेज होगा। इसको अप्लाई कैसे करें, क्या प्रोसेस? प्रोसेस को डिटेल्स अभी नहीं आया है, लेकिन कोइन ऐप है, वो कोइन ऐप को एक ऐप को सहायता में करना है, रजिस्ट्रेशन करना है ऐप को सहायता में।